अब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, जो जैसा कहता है वैसा होता है। एक होता है इनडायरेक्ट, जो सीधा कहा जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये होता है वक्ता। मीन्स कहने वाला, ये कहने वाला होता है। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हिस्सा होता है उसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये है कही गई बात। ये कहने वाला है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हिस्सा है ये कॉमा होता है नीचे, और ये जो दो हैं ऊपर से शुरुआत होती है इधर बंद होते हैं, ये होते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। इसके अंदर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, कहने वाला, वक्ता। और ये अंदर है कही गई बात। नियम नंबर एक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनमें से रिपोर्टिंग वर्ब जो हिस्सा है कॉमा से बाहर का वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। वो कैसे बनता है? ही सेज, मोहन हैज गॉन टू स्कूल। ये डायरेक्ट है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही सेज, कॉमा हटाने के लिए लगता है दैट, एक कनेक्टर होता है, ठीक है ना। दैट के लगने से ये कॉमा भी हटे, इन्वर्टेड कॉमा और बाद वाला भी। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही सेज, ये प्रेजेंट में है तो स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेम ऐसा ही रहना है जैसा है। तो मोहन हैज गॉन टू स्कूल, ये बन गया इनडायरेक्ट। नियम नंबर दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस
निम्न प्रकार बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुई, कैसे? यदि वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस तो बन चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहने का अर्थ है प्रेजेंट के चारों सेम पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अब प्रेजेंट के बाद किसका नंबर आया? पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट के केवल दो चेंज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें कभी उल्टा नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ये नहीं कि हम पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी सेम ऐसा ही रहेगा। हम ये नहीं कि उसे उल्टे कर देंगे कंटिन्यूअस में, नहीं। इसके बाद नंबर आया फ्यूचर का। फ्यूचर में आता है विल का, हम वुड कर देंगे। यदि सेल आवे तो शुड कर देंगे, कैन आवे तो कुड कर देंगे, मेका हो जाएगा माइट, हैज हैव का हैड, इज एम आर का वाज या वर। अब जैसे ही सेज, रोहन इज ए गुड बॉय, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेज, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इन्हें हटाने के लगेगा दैट। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस चेंज नहीं होगा। रोहन इज ए गुड बॉय। He says to me, they have gone to school. अब he says to me reporting verb है, says to है तो says to का हो जाएगा tells me, कोमा हटाने के लिए लगता है that। अब फिर ये reporting verb present में, तो tense change नहीं होगा। They have
gone to school. He said they have gone to school. अब इसमें अंतर क्या है? Reporting verb इस बार past में है. He said. तो comma हटाने के लिए लगेगा that. Comma inverted comma हट गए that लगने से. अब ये reporting verb जो है वो past में है तो reported speech का tense change होगा. अब ये tense कौन सा है? Present perfect. They have, they subject have verb की have जो है has have आती है present perfect में verb की third form में तो किस में change होगा past perfect में तो has have का क्या हो जाएगा had gone to school. सीधी बात है जहाँ has have आवे वहाँ had कर देते हैं. They said to me he will not play the match. They अब सैड है तो सैड और सैड टू है तो हो जाता है टोल्ड मी कॉमा हटाने के लिए दैट ही. अब देखो विल आ रहा है विल का मतलब क्या है फ्यूचर तो विल का हम सिर्फ वुड कर देंगे और चेंज नहीं होगा. वुड नॉट प्ले द मैच. शंकर केम शंकर केम सैड आई. अब इसमें क्या है रिपोर्टिंग और बाद में है और स्पीच पहले है. पहले हो बाद में हो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग और पहले ही लाना पड़ेगा. तो ये बाद में क्या होती है ज़्यादातर उल्टी होती है. सैड आई आई जो है सब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे पहले लाएंगे. आई सैड दैट शंकर कॉमा हटाने के लिए दैट लगा और ये क्या है पास्ट डेफिनिट है केम पास्ट डेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा हैड कम वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैड. दे सेड ही डिड नॉट बीट द बॉय. They said, कॉमा हटाने के लिए that he कॉमा हटने that लगा. अब ये past indefinite है did not आ रही है तो किस में चेंज होगा past perfect में did की जगह आ जाएगी had not और verb की third form beat से हो जाएगी beaten. नियम नंबर दो यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आदत या स
सत्य बात प्रकट हो तो उसका टेंस नहीं बदलता है। जैसे द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द ओल्ड मैन सेड रिपोर्टिंग और पास्ट में है, कॉमा हटाने के लिए दैट कायदे में टेंस बदलना चाहिए, परंतु इसमें सही बात है, सूर्य पूरब में निकलता है तो टेंस चेंज नहीं होगा। सही, सन राइजेज इन द ईस्ट। He said the dogs bark. He said, कॉमा हटाने के लिए that, अब ये सही बात है तो टेंस चेंज नहीं होगा भले रिपोर्टिंग और पास्ट में है।